जा सलामत रहो ये मेरी दुआ है। सारे आलम की खुशियाँ खुदा दे है ना। ऐसी भी क्या मसरूफियत, साली की शादी है, अजीब बात है। खैर इंतजाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आयजा और साथ का कोई मसला चल रहा है? कैसा मसला? मुझे लगता है कि उन दोनों के दरमियान कुछ मसला है। उस दिन साथ हॉस्पिटल में भी नहीं था और आज शादी पर भी नहीं था। नहीं, वो साथ के घर में इमरजेंसी हो गई थी कोई, इसलिए नहीं आया वो। इधर देखो, तुम्हें उससे यूं नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। ना ही झूठ बोलने की। मैं नहीं चाहता किसी और की वजह से हमारा रिलेशन खराब हो। मैं जानता हूं साथ क्यों नहीं आया।
ज्यादा तो नहीं हो गया? लिपस्टिक लगाती हूँ। मैडम ये मेरी बीवी का कमरा है, आप यहाँ से जा सकती हैं। फारिस क्या हो गया है? ओवर लग रहा है मेकअप मेरा। नहीं 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 ओवर नहीं कहेंगे इसको। इसको क्या, देयर इज अ वर्ड फॉर दिस, इसे बहुत ओवर कहेंगे हानिया, बहुत ओवर। ये होता है ओवर और ये होता है बहुत ओवर। फारिस मैं तो पहले ही बताया था मुझे मेकअप करना नहीं आता। बाजी ने सिर्फ मुझे ये बताया था कि वो लिपस्टिक कैसे लगानी, क्या करना, खाना पकाना में बाजी करती थी, और मुझे सिर्फ पढ़ने का शौक है, मुझे और कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूं? ना करो ना, मेरा कहने का मतलब है कि तुम फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, कोई बात नहीं, 21st सेंचुरी में रहते हैं। तुम अपने घर में कैसे रहती थी? हाँ मुंह धो के ना, वो वॉशरूम है, तुम जाओ आराम से मुंह धो के। अरे नहीं धो सकती ना, पप्पा ने मुझे बताया था कि पहला दिन हो शादी का, अच्छे से तैयार होकर रहना है, मेकअप करना है। आप देखो मैंने बस थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, मैं कर लेती हूँ फिक्स, एक सेकंड, मुझे पता है कैसे करना है इसको। तुम कुछ नहीं करोगी, ये छोड़ दो चीजें, ये छोड़ दो, मुझे सोचने दो। मैं बैठो 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 बैठो, मेरे पास आइडिया। एक मिनट मुझे सोचने दो। वीडियो निकालो, करते हैं कुछ। फोन की तरह आपका ये। अच्छा, हाउ टू फिक्स मेकअप इन 5 मिनट्स। फिक्स मेकअप 5 मिनट तो नहीं लगते, अच्छा खासा टाइम। बैठो 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 बैठो। अच्छा। ये वीडियो ऐसे ऑन करके ऐसे मुझे दिखाओ। ये बिगाड़ना नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, यकीन करो। देख लो ये। अच्छा ठीक। अच्छा ये मैंने, इधर देखो, वीडियो देखो क्या हो रहा है उसमें। ये आप मेरा मेकअप कर रहे हैं? उतार रहा हूं। ज्यादा मुंह खोलो। जितनी ज्यादा ना, 4 घंटे रहने दो इसको। हाँ ठीक है। ओके अच्छा, ये तो क्या क्या साफ किया है आपने? ये आज तो नाश्ते को खास ही इहतमाम किया है फिजा ने। मेरे ख्याल में देवरानी के आने की खुशी में सारा एहतमाम हुआ है। वैसे असूलन तुम लोगों के घर से नाश्ता आना नहीं चाहिए था। मुझे याद है कि फिजा की दफा भी आया था नाश्ता, है ना? हाँ जी कह रहे थे, लेकिन मैंने लाइक अंकल को मना कर दिया। मुझे लगता है इस तरह की रस्में जिसमें लड़की वाले रात को लड़की को रुखसत करें, फिर अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता लेकर आए, बहुत बर्डन होता है उन पे, कोई फायदा नहीं। ठीक कह रहा हूँ। तुमने मना किया और वो मना हो गए? वैसे तो बड़े रख रखाव वाले बनते हैं, तो क्या सब दिखावा ही है? ऐसी बात नहीं आंटी, असल में बाजी के बारे में आपने सारा नाश्ता वापस भिजवा दिया था। ये कह करके यहाँ पर ऐसी चीजें कोई नहीं खाता। फिर फारिस ने भी मना कर दिया था, तो इसलिए अबू ने नाश्ता नहीं भिजवाया। चलो नाश्ता नहीं भेजना था तो ना सही, लेकिन
कम से कम बेटी को तमीज सिखा के तो भेज दे। शादी के पहले दिन ही आगे से इस तरह जवाब देना शुरू कर दिया उसने तो। हानिया ने आपको कुछ गलत नहीं कहा मामा, जो आपने बात की उसने सिर्फ उसका जवाब दिया। पता नहीं आपको बुरा क्यों लग रहा है। वाह बेटा वाह, अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे तुम्हारी बीवी को आए हुए। और मां तुम्हें अभी से गलत लगने लगी।